क्या इलाज चल रहा है बाबू जी आपका? फालिस पड़ गया मेरे पे। फालिस पड़ गया आपको? हाँ। घर में कोई है नहीं आपका? हाँ। कोई कोई बच्चे बच्चे हैं आपके खिदमत करने के लिए? नहीं है। हाँ। जी हाँ। तो बाबू जी ये बताओ, जब बच्चे खिदमत करने के लिए हैं तो आप अकेले क्यों जा रहे हो? सुनते नहीं करामा। कोई नहीं सुनता आपकी? आपकी तो चप्पल भी बिल्कुल, आपकी चप्पल अलग अलग हो रही है। चप्पल है नहीं आपके पास? कितने पैसे हैं जेब में? आप अस्पताल जा रहे हो दिखाने के लिए, लेकिन आपके पास है कितने पैसे? मेरे पास 150 रुपये। 100-150 रुपये हैं? अच्छा, ये तो 100-150 रुपये भी नहीं है आपके। अच्छा, तो वहाँ तो अस्पताल अभी बंद है, कैसे जाओगे वहाँ पे? वहाँ तो क्वारंटाइन हो रहा है। कितने बच्चे हैं बाबू जी आपके? चार लड़के। अच्छा, चार लड़के चार लड़कियाँ हैं। तो चार लड़के आपकी खिदमत नहीं करती इस उम्र में आके? क्या क्या करते हैं आपके बच्चे? आप काम क्या करते हैं? अब देख लीजिए हालत है इनकी, ये इनके चार बेटे हैं और चार बेटे होने के बाद भी यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से ये पैदल आ रहे हैं और इन पर चला भी नहीं जा रहा। और बाबू जी, अगर वहाँ से इलाज ना हुआ, वो बंद मिला, फिर कैसे करोगे? सवारी से आओगे? तो लॉकडाउन के बाद चले जाना अस्पताल आप? देखा हुआ है। हाँ, आपके पास ये 120 रुपये हैं। अभी कितने पैसे में आपका काम हो जाएगा? अगर आप, मैं आपको कुछ पैसे दूं जो आप घर में बैठे हैं, खाना वाना देते हैं बच्चे? ये बताओ, खाना देते हैं? खाने की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? खर्चे पानी कुछ पैसे देते हैं? नहीं देते? नहीं। देते हैं खर्चे के लिए? कुछ मदद करें हम आपकी? क्या? पैसे से कुछ पैसे दें आपको, जिससे आप दवाई वगैरह ले लें, कुछ दिक्कत ना हो? तो फ्री में दवा? दवाई फ्री में? कुछ अपना खाने के लिए कुछ ले लेना, फल वगैरह ले लेना। हाँ, वो तो दे भाई। दें कुछ पैसे? लो बाबू जी, ये लो आप। ठीक है, खुश हो? आप डर रहे थे। अच्छा, घर में रहना बाबू जी, ठीक है ना? ठीक है, दवाई लेने के बाद घर जाना और आराम से घर रहना, ठीक है? अपने बच्चों से बोलना कि वो आपकी खिदमत करें। फालिस पड़ा हुआ है? अच्छा, फालिस पड़ा हुआ है, लेकिन चप्पल भी नहीं। चप्पल क्यों नहीं आपके पास में? एक चप्पल दूसरे कलर की, एक चप्पल दूसरे कलर की। चले बाबू जी, ठीक है, दुआ दीजिएगा, ठीक है?